सर मैं दिल्ली वाला जहीरुद्दीन बोल रहा हूँ। ये आज 7.5 किलोवाट का सिंगल सिलेंडर का जनरेटर आज हम अल्पना मैडम को भेज रहे हैं कामशेद के अंदर, जिनका टीचिंग स्कूल भी है, फार्म हाउस भी है। इसका आपको मैं आज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन समझाता हूँ। यहाँ से आपको इंजन ऑयल डालना है, ये खोल कर अंदर छोटा सा पाइप है एक सिंगल ऐसा, उसमें नहीं जाना है, साइड से डालना है तो वो इंजन के अंदर ऑयल चले जाएगा। ये रेडिएटर है, यहाँ से आपको 50% वाटर 50% कूलेंट डालना है, ठीक है। ये इंजन का स्टार्टर है, ये प्लस पॉइंट है बैटरी का, यहाँ पे रेड लीड को जॉइन करना है, ये प्लस में प्लस को जॉइन करना है। ये अर्थिंग के यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे अर्थिंग जॉइन करना है और यहाँ पे जो है अर्थिंग को माइनस पॉइंट में जॉइन करना है। ये इसका स्टार्टर है, ठीक है सर। यहाँ पे आपको डीजल डालना है, ये एयर क्लीनर है, यहाँ से एयर अंदर खींचेगा इंजन। ये साइलेंसर है, यहाँ से साइलेंसर से धुआं बाहर निकलेगा। ये इंजन का ऑल्टरनेटर है, मजीद हैंडल ला। ये ड्यूल सिस्टम है, ये हैंडल से भी स्टार्ट होता है और ये सेल्फ से भी स्टार्ट होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी बैटरी अगर डाउन हो गई तो आप हैंडल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये इसका सेल्फ बटन है, यहाँ से हम दबाएंगे तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका हैंडल है, ये हैंडल यहाँ पे हम लगाएंगे, हैंडल घुमा के भी जनरेटर चालू हो जाएगा। हैंडल घुमाते वक्त ये ध्यान रखना है कि पूरी ताकत से हम हैंडल घुमाएं। अगर एयर किले से धुआं निकला तो इसका मतलब ये है कि इंजन उल्टा स्टार्ट हो गया, तो फौरन स्टॉप कर देंगे हम। इंजन का बटन प्रेस करने के बाद ये लीवर डाउन करना है तो उसका कंप्रेसर जो है बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे ये बैटरी है, ये सेल्फ स्टार्ट है, ये इंजन का ऑल्टरनेटर है। यहाँ से दो पॉइंट निकले सिंगल फेस के, एक जो है रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, बराबर है। ये इंजन का कंट्रोल पैनल है, MCB है, ये कॉइल है, ये इसका डिजिटल मीटर है, ये लाइट है। इसके अंदर आपको कितना हम लोड डालेंगे, कितना एम्पियर चल रहा है, कितने वोल्टेज आ रहा है, ये पूरा इसके अंदर पैनल के अंदर बताएगा। तो ये ब्लैक पॉइंट को देखिए यहाँ पे जॉइंट करना है। ये दो वायर हैं, इसको इस तरह से जॉइंट करना है। ये रेड को यहाँ पे जॉइन करना है, फेस को, ये फेस है रेड को यहाँ पे जॉइन करना है। और ये जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल को यहाँ पे जॉइन करना है, इस जगह पे जॉइन करना है, ठीक है। अभी मैं आपको जनरेटर चालू करके बताऊंगा। जनरेटर चालू करने के लिए बहुत इजी है, सिर्फ ये बटन प्रेस करना है। जनरेटर बंद हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बता रही है 220 वोल्ट वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। इंजन बंद करने के लिए लीवर है, ये इसके एंटी वाइब्रेशन पैड्स हैं। मजीद पता लगा के सिर्फ एक बोल्ट खोलना है, ये चार पहिए हैं, ये चार व्हील निकाल देना है, एक बोल्ट खोल के ये बोल्ट को इसके अंदर लगा देना है। इस तरह से खोल के इसके अंदर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये एंटी वाइब्रेशन पैड इसमें लग जाएगा और व्हील निकल जाएंगे। ये बोल्ट की जगह ये लगा देना है, एकदम ईजी टू ऑपरेट है। इस तरह से इसका जनरेटर पूरा ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको ये जनरेटर 15 साल तक यूज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसमें दो बातों का वो ध्यान रखना है। इंजन के अंदर पानी बराबर होना चाहिए हमेशा, इंजन में पानी बराबर चेक करें और इंजन का ऑयल लेवल बराबर चेक करें। ये दो चीज़ अगर बराबर चेक करेंगे, रोज़ाना इसको क्लीन करेंगे, नट बोल्ट टाइट करेंगे, तो 15 साल तक आपको ये जनरेटर बहुत ही अच्छी सर्विस देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप जनरेटर ऑर्डर कीजिए दिल्ली वाला जहीरुद्दीन के ऊपर, 9821055088। ये हमारी कंपनी है, 1 KV से लेके 2000 KV तक आपको जनरेटर मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया।
विद फ्री अपना सर्विस के साथ में मिलेंगे और आपको हर जगह इसकी डिलीवरी भी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो।